नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब कोई ऐसा घर होता है जहां कंपाउंड वॉल होती है और फिर अंदर भवन बना होता है, तो उन दोनों के जो दरवाजे होते हैं, जो एंट्रेंस होती है, उसका उस घर में रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। होता क्या है कि इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं, मैंने दिशाएँ लिख रखी पर इससे कोई मतलब नहीं। दिशाओं से कोई भी घर हो जिसमें कंपाउंड वॉल है, ठीक है, ये कंपाउंड वाले, और एक अंदर घर बना हुआ है, ये घर थोड़ा पीछे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दिशा कोई से भी हो। अब सवाल आता है कि ये घर है, ठीक है, और ये द्वार है। अब ये द्वार है तो जिसका द्वार इसके सामने, यहाँ द्वार होगा इस पट्टे इधर, दिशा से कोई मतलब है ना, दिशा से कोई कम नहीं है, ये द्वार है, सामने द्वार है कहीं पर, ठीक। तो इस ये द्वार अच्छा शुभ होता है, संतान प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, विजय दिलाने वाला होता है, सौभाग्यकारी होता है। तो जहाँ कंपाउंड वॉल का द्वार हो उसके सामने वाली वॉल पर आपको घर का द्वार बनाना जरूर चाहिए। दूसरा तरीका क्या होता है कि बहुत से लोग आगे नहीं बनाते हैं, मतलब बाय दी वे यहाँ बन द्वार है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर द्वार है, और सामने ना बनाते उन्होंने क्या करा, साइड में यहाँ बना लिया, ठीक है ना, और यहाँ द्वार है यहाँ ना बनाते हुए यहाँ साइड में इधर कहीं बना लिया, यानी कि अपने मुख्य द्वार के बाएं तरफ, इस तरफ है ना, इस तरफ द्वार बना लिया। तो इन लोगों पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ऐसे जो घर में लोग रहते हैं उनका ज़्यादा पैसा नहीं होता है, और पति को अपनी पत्नी के कहने पर चलना पड़ता है, और उस घर के मुखिया को, पति को, मुखिया को अपने जो है कोई ना कोई शारीरिक कष्ट जरूर रहता है, ठीक। अब बाय दी वे द्वार जो है यहाँ है, मतलब यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, और उनने द्वार यहाँ रखा है इस तरफ, दाएं हाथ की तरफ, यानी जाके जैसे यही घर है तो यहाँ तो एक द्वार रख दिया और यहाँ पर जो है एक द्वार यहाँ बना दिया, ठीक है ना, तो यहाँ द्वार बना दिया तो एक द्वार यहाँ है, तो यानी दाएं हाथ पे द्वार, यानी यहाँ कहीं दाएं हाथ पे द्वार होगा तो उसे मान सम्मान, पैसा, संतान, सुख सहज प्राप्त हो जाते हैं। और एक स्थिति बनती है कि घर के पीछे की तरफ, यानी कि इधर द्वार ही नहीं है, इधर है और कैसा है, चल समझ लीजिए मकान मालिक है, खुद ने तो आगे रख लिया, इसके दो पार्टीशन करे, पीछे किराएदार को दे दिया, अब वो किराएदार के लिए उनने पीछे से रास्ता रख दिया, आगे से रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति कई बार देखने में आती है कि पीछे किराएदार के लिए बना देते हैं, कुछ ऐसा पोजिशन बना देते हैं कि जहाँ किरा, और यहाँ पर नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं, जो इनके बड़े मकान होते हैं, वो पीछे दो चार कमरे बना देते हैं पीछे की तरफ, और वहाँ स्टाफ रहता है उनका, तो जिनका द्वार पीछे की तरफ होगा उन्हें सम्मान में कमी आती है, निर्धनता रहती है, सुख की कमी रहती है, ये लोग बड़े साधारण जीवन जीते हैं। ये वो लोग ही होते हैं ऐसे जगह पर कि जिनका जो द्वार है अपने घर में घुसने का, ये द्वार तो कॉमन हो गया, एक आगे से जा रहा है, अब ये दो हिस्से में बटा हुआ है, और ये लोग जो है इधर से जा रहे हैं या इधर से होकर पीछे आ रहे हैं या इधर से होकर पीछे आ रहे हैं, स्थिति कुछ भी बने, दाएँ होके आए या बाएँ होके आएँ, पीछे से द्वार है, इसे ये द्वार है या यहाँ द्वार कहीं पर है, उन्हें सम्मान सुख की कमी रहेगी, निर्धनता रहेगी, दरिद्र रहेगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, दिशा कोई सी भी हो, वास्तुअनुकूल ध्यान रखना ही है कि आपका, जैसे मैंने ये, अब अपन आते हैं दिशा पर, भाई साउथ में है तो द्वार जो है अग्नि कोण में होना चाहिए, दक्षिण अग्नि में होना चाहिए, यह प्रॉपर है, इसलिए दरवाज़ा, एक दरवाज़ा यहाँ जरूर रखिए। यदि ये पूर्वमुखी मकान है तो आपका एक, आपका ईशान कोण में दरवाज़ा होना चाहिए, पूर्व दरवाज़ा मतलब कंपाउंड वाल का इधर होना चाहिए, तो घर का यहाँ जरूर रखिए। आप चाहते हैं यहाँ भी रख सकते हैं नॉर्थ में, पर घर का एक इस तरफ जरूर रखिए ईशान कोण में। यदि उत्तरमुखी है तो आपका द्वार ये आ गया, तो एक द्वार यहाँ आ गया फ्रंट में, अब एक द्वार आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, तो एक ही द्वार रखिएगा, और ये पश्चिममुखी है ये द्वार, तो एक द्वार यहाँ रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक दो बातें रहती हैं कि यदि अपन रखते हैं वास्तु से कोने पर, जैसे हमने यहाँ रखा, और नॉर्थ में दो जगह ऐसी पोजिशन बनती है कि अपने आप दाएँ हाथ पर आ जाता है, फ्रंट भी हो गया दाएँ हाथ भी हो गया, यहाँ पर ही फ्रंट भी हो गया दाएँ हाथ भी हो गया, ये स्थिति ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये रखिएगा, ऐसे घर में एक यहाँ बना दीजिएगा, ईस्ट में जैसे यहाँ पर है तो एक दाएँ हाथ में यहाँ द्वार बना लीजिएगा, इस तरीके से अपने कंपाउंड वॉल और घर के द्वार का कॉम्बिनेशन बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।